हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेकंड वीडियो ऑफ इंडियन फैंग। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई सिंपल आदमी एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है विद सिंपल लाइफ हैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आप सुपरमैन बन सकते हैं, कैसे आप फ्लैश की तरह तेज दौड़ सकते हैं या कैसे हल्क की तरह इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं। मैं आज आपको सिंपल एक रियल फैक्ट बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पुरानी लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं अपनी नई ताकतों के साथ। तो चलिए, सो ये पांच चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आना है। सो नंबर फिफ्थ टेक्निक है, उसको कहते हैं ओवरमैन स्लीप शेड्यूल। इसमें क्या होता है, अपन 24 आवर्स में से सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और अपनी अपनी बॉडी को कन्वेंस करते हैं कि आप पूरी नींद ले चुके हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है कि अपन को 4-4 घंटे में एक 20 मिनट की नैप्स लेनी पड़ती है, जिससे अपनी बॉडी कन्वेंस होना चाहिए हाँ भाई इसे प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मिल रहा है। तो ये इससे एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी अपन 8 घंटे की स्लीप लेते हैं नॉर्मल शेड्यूल पे। इस बचे हुए टाइम से अपन कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि इफ आई एम गेटिंग 6 आवर एक्स्ट्रा ऑफ डेली देन आई कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर आई वांट टू डू। जैसे इसमें आप कुछ भी अपनी ऐड कुछ भी अपनी जो जैसे आप कुछ भी अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं उसमें अपनी इस टाइम को ऐड कर देंगे ताकि वो स्किल और जल्दी डेवलप हो। टेक्निक नंबर 4 क्या है, इसमें आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है ताकि आपकी बॉडी उस तरह उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जैसे आप कहीं स्टेज पे चढ़ जाएं और अपने गाना गाने लग जाएं, या कोई भी सेमिनार चल रहा हो उसमें कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर लें अपने मन से कि सर ये नहीं ये होना चाहिए, या कुछ भी अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना ताकि उस तरह से बॉडी आपकी इवॉल्व कर सके या उस तरह से ढल सके। क्योंकि अपन एवोल्यूशन के प्रोसेस के तरीके से आए हैं तो अपनी बॉडी को आदत है ढलने की। टेक्निक नंबर 3 ये है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सटर्नल रिसोर्सेज ना दें प्रोटीन्स या कुछ भी लेने के लिए, फीड कराने के लिए। आपकी बॉडी अपने आप बनी है अपने आप बॉडी से लेने के लिए। जैसे आप खाना दिन में सिर्फ एक बार खाएं, वो भी हाईली प्रोटीन खाना, नॉट कार्बोहाइड्रेट और नॉट फैट रिलेटेड फूड। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दिन में सिर्फ एक बार खाना अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना है ताकि बॉडी अपने फैट्स से जो भी प्रोटीन्स हैं ये सब एक्सट्रैक्ट करे। इससे फायदा क्या होगा, आपकी बॉडी फिट टू शेप रहेगी एंड ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी। बस थोड़ा आपका स्टार्टिंग में लूज वेट होगा पर बॉडी उसकी, मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया बॉडी को अपने आप ढलने की आदत होती है तो वो उस हिसाब से ढल जाएगी और आपके जो भी फैट है उसमें से प्रोटीन्स लेगी और आपकी बॉडी को अलग ही ताकत देगी। नंबर टू तो आपने सुना ही होगा, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इसमें क्या है, आप रोप स्कीपिंग कर लिए या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज कर लिए जो बहुत हाई इंटेंसिटी की हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे करें एक दिन में, आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं 1 घंटे तक। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, इसमें जो भी आपकी बॉडी है वो अपने आप फैट को हटाएगी और उसकी जगह मसल्स को प्रोवाइड करेगी जिससे आप में एक्सट्रीम पावर आ जाएगी। टेक्निक नंबर 1 मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होगा, जो आप अपना 6th सेंस है वो अपने शरीर से डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि 5 सेंस होते हैं जो आपने सुने ही होंगे, तो आप जो 6th सेंस है वो हिडन सेंस होता है जो अपने सेंटर में होता है, जो आपको कुछ भी फ्यूचर का या कुछ भी ऐसी जो सराउंडिंग्स में जो होने वाला है उसका एक झटका सा एसेंस दे देता है, हल्का सा एसेंस। सो ये चीज़ आप मेडिटेशन के थ्रू डेवलप करेंगे और यही है सबसे पावरफुल चीज़ जिससे आपको कुछ भी पता लग जाए कि होने क्या वाला है या क्या चल रहा है सराउंडिंग्स में। अगर आपने इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, शुरुआत में दिक्कत आएगी पर आपने अप्लाई कर लिया तो आप एक सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आ जाएंगे और आप वो कर सकेंगे जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक एंड जॉइन द आर्मी।